नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गुरुवार को न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर जायजा लिया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि न्यायालय परिसर की सुरक्षा का जांचने के लिए जनपद न्यायाधीश के साथ निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा जो पहले से निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसमें जो गठित कमेटी है उनके मेंबर से भी बातचीत की गई है, जिसका काम है कि न्यायालय की सुरक्षा के संबंध में बैठक करें और उनके समस्याओं को हल करें, जिससे न्यायालय परिसर में आने वाले अधिवक्ता वादकारी पुलिस को आने जाने में किसी तरह की असुविधा ना हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और सीसीटीवी कैमरों को नियमित रूप से चेक किया जाए और अपराधियों पर नजर रखा जाए। यदि कोई किसी तरह की घटना करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाएगा। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए कल डिस्ट्रिक्ट जज सर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग सेल की बैठक के उपरांत जो न्यायालय परिसर है उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया, बैठक की गई। इस संबंध में जो पूर्व के निर्देश शासन द्वारा निर्गत किए गए हैं, उसमें जो गठित कमेटी है उनके मेंबर से भी डिस्कशन हुआ है। ये सहमति बनी है कि वो जो कमेटी है वो नियमित रूप से न्यायालय की सुरक्षा के संबंध में बैठक करे, उसमें जो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो चाहे पुलिस हो, चाहे अधिवक्तागण हो, हमारे न्यायालय के अधिकारीगण हो, या वादकारी हो, या आम पब्लिक जो भी आती है वहाँ पे, उसकी सुविधा और उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। सीसीटीवी कैमरास को और जो फोर्स वहाँ पे लगा है उसको नियमित रूप से चेक किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए भी किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर किसी प्रकार की कोई अपराधी घटना ना कर सके। अपराधियों की मूवमेंट पर भी वहाँ नज़र रखी जाए और यदि कोई इस प्रकार की घटना करता है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। सभी सुरक्षा के जो इंतजाम वहाँ पर हैं उनको चुस्त दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।